प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, उनका साफ तौर से कहना था क्योंकि वो पलटी नहीं गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेमरिया से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अभय मिश्रा की, जिन्होंने अपने प्रचार के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुछ इस अंदाज में वोट की जनता से अपील की। पूर्व विधायक सेमरिया अभय मिश्रा का कहना था, रोटी जली इसलिए, पान सड़ा इसलिए क्योंकि वो पलटा नहीं गया। उन्होंने इशारों इशारों में कई आरोप भी लगा डाले। आइए आपको सुनाते हैं सेमरिया विधायक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रचार के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कहते हैं पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, क्योंकि रोटी पलटी नहीं है। लोकतंत्र में का मतलब ही है, जनता की पूछ परख का मतलब ही तभी होता है, उसकी पूछ परख तभी होती है जब रोटी अलटती पलटती है। अगर लगातार एक ही सत्ता, एक ही दल सत्ता में लगातार 20-20 वर्ष हो जाएगा तो बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई निरंकुश हो जाएगा। फिर राजतंत्र और प्रजातंत्र में कोई खास अंतर नहीं बैठता है। मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग वैसे ही है, एक ही व्यक्ति 18 साल से मुख्यमंत्री, एक ही पार्टी की सरकार 20 साल से, वो 20 साल से सरकार में भाजपा, उनके हमारे बिन छेद के खास सिपा सलाहकार मान लीजिए, या मान लीजिए उनके रिश्तेदार मान लीजिए, या इतना प्यार मान लीजिए, या धंधा मान लीजिए। आप खुद सोचिए, सीएम साहब हमारे 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते, 3-5 वर्ष लगातार, ऐसा समझिए हम क्या, वो सिकरौली में ऐसा क्या जादू हो गया कि तीनों बार प्रभारी मंत्री राजन शुक्ला ही बने। आर्थिक राजधानी इंदौर से ज्यादा पैसा है, ये पुरानी घड़ी पहनना, नमस्ते में ऐसे ऐसे दिखाना, 300 की प्लास्टिक चप्पल, ये सब एक्टिंग बाजार जनता कब तक देखेगी। पहले छूक जाती थी, अब तो सब समझने लगी है। रीवा बिक गया, रीवा लूट गया, ये कंक्रीट के जंगल और पुलों के ठेके और कौड़ियों के भाव जमीने और सब कुछ आप सबको मालूम, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, सब डर रहे हैं। हमारे यहाँ भी भय, भ्रष्टाचार, आतंकवाद बहुत माहौल है। सिमरिया में मैं रीवा चला गया था, लोग इतना डरे हैं, लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। कब तक 1 रुपये गेहूँ चावल में फंसाए रहोगे? 20 साल हो गए तुमको मुख्यमंत्री बने, तुम्हारे सामने लक्ष्मी लाडली पैदा हुई, तुमने योजना चलाई, अब उसके सामने उसकी भी लक्ष्मी लाडली हो गई। 20-20 साल हो गए, तुमने 1 रोजगार नहीं दिया, रोजगार पैदा नहीं किया, बस 1 रुपये किलो गेहूँ चावल में फंसाए हो। मतलब कि कोई उद्योग अपने पैरों में मत खड़े हो, हमारे ऊपर डिपेंड रहो। और अंत में अभी जब चुनाव आ जाता है तो कोई ना कोई योजना, अब तो ये बहुत ही बड़ी बात है ना, 1-1 हज़ार की 4 या 5 किस्त दे दो, 4,000 रुपये में घर भर का 18 वोट ले लो, सारा 150 का भी नहीं पड़ता, इतना सस्ता वोट, वो भी सरकारी पैसे से खरीदना सीएम साहब को। और उनको लगता है कि जनता इतनी पागल है, मेरे विज्ञापन से बिक जाएगी, तो जनता ही बड़ी आजकल खेल खिलाड़ी हो गई। तुम 20 साल से तुमको तुम्हारे रंग रख चेक कर ली, एक एक एक्टिंग जानती, जनता ने भी कह दिया कि मामा तू डाल डाल तो मैं पात पात। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।